साल भाजपा के लिए, भाजपा के लिए तो अच्छे रहिए, जनता के लिए बेकार रहे। मोदी जी वादा करके आए थे अच्छे दिन आएंगे, मुझे 60 दिन का टाइम दे दीजिए। मोदी जी वादा करके आए थे, जनता ने वादा उनका जो था विश्वास के साथ उन्हें लेकर के भी आए, पर जनता के वादे पे खरे नहीं उतरे मोदी जी। देख रहे हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी के हम अब सिलेंडर जो भी है आपको फ्री देंगे, दिया है, लेकिन 400 की जगह 1200 सिलेंडर दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं। सब्सिडी के नाम पर उन्हें उठाया मुद्दा मिलेगी, लेकिन आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिली। किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? राहुल को देख रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। रुदेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। 4 जून का पूरी जनता को, पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को इंतजार है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, कौन कुर्सी पर काबिज होगा। सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल मोदी सरकार, भाजपा सरकार के कैसे रहे, जनता के लिए अच्छे दिन आए उसमें या नहीं, योजनाएं मिली या नहीं। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जनता की तरफ रुख करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद चार। ये बताइए 10 साल भाजपा के कैसे रहे आपके लिए? 10 साल भाजपा के लिए, भाजपा के लिए तो अच्छे रहिए, जनता के लिए बेकार रहे। मोदी जी वादा करके आए थे अच्छे दिन आएंगे, मुझे 60 दिन का टाइम दे दीजिए। मोदी जी वादा करके आए थे, जनता ने वादा उनका जो था विश्वास के साथ उन्हें लेकर के भी आए, पर जनता के वादे पे खरे नहीं उतरे मोदी जी, और यही कारण है आपकी बार सत्ता परिवर्तन का। सत्ता परिवर्तन जी। किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। मोदी जी ने ये कहा था कि हम अब सिलेंडर जो भी है आपको फ्री देंगे, दिया है, लेकिन 400 की जगह 1200 सिलेंडर दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं। सब्सिडी के नाम पर उन्हें उठाया मुद्दा मिलेगी, लेकिन आज तक कोई सब्सिडी नहीं मिली जनता। हाँ जी, मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दे क्या? बेईमानी, भ्रष्टाचार इतना हो गया है इस टाइम, कहीं भी आप चले जाओ कोई भी काम नहीं हो पाता। जनता का बहुत बुरा हाल है, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं जैसे बहुत बुरा हाल है। हम अपना काम करते थे, आज रिक्शा चलाने को मजबूर है। वो भी आज सवारी नहीं मिलती, 2 लाख रुपए रिक्शा हो चुका है 2.5 लाख का। आप क्या कह रहे हैं? युवा है। हाँ। क्या बोला? किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? राहुल को देख रहे हैं। अब की बार वो अपना झोला उठाएंगे, टाटा बाय बाय। मोदी जी कह रहे रिकॉर्ड तोड़ने वाले इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी ने हैट्रिक मारी थी, इस बार मोदी भी हैट्रिक मारेंगे। वो असल में देखो ऐसा होता है कि जब इंसान को अपनी हार दिखती है ना, तो वो अपनी सोच से भी ज्यादा बोलता है कि कुछ नहीं कर सकता, कम से कम जो मेरे समर्थन है मैं उनके लिए कुछ ऐसा बोल जाऊं कि उनके दिल में एक उमंग थी रहे कि अगर चले भी जाएंगे तो दिल नहीं टूटेगा हमारा। तो मोदी जी का ये इसलिए कि हम हैट्रिक करेंगे इस बार, पर हैट्रिक उनका होगा। 400 पार के नारा किस तरीके से देखें? 400 पार आपके तो 200 पार भी नहीं होना, 400 तो बहुत दूर की बात है। काम किए हमने, काम के ऊपर जनता पसंद करेगी। 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ हमारी देश की आवाम जो है ना इस वक्त हमारे नजर के अंदर 140 करोड़ आवाम हिंदुस्तान की यही चाहती है कि मोदी जी चले जाएं, तो उसी में इस देश की भलाई। नहीं तो इस देश का होना यह है कि जो अभी 500 रुपए दिहाड़ी कमा रहे ना, वो 500 के लायक भी नहीं रहना। और ये मोदी जी जो अपना 5 किलो राशन जो फ्री दे रहे जनता के लिए, ये देते रहेंगे, मगर इसमें देश का भला नहीं होना। 5 किलो राशन से तो कभी किसी का भला होना ही नहीं। योजनाएं जो निकाली थी मोदी जी ने, तमाम योजनाएं निकाली थी जनता के लिए, कितनी पहुंच पाई है आप लोगों तक? सिर्फ 5 किलो राशन के अलावा कुछ नहीं पहुंच पाया। अच्छा जी। और जो पक्के मकानों के बोर्ड्स लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे, मकानों के जो बोर्ड्स हैं, हमने तो यहां तक देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक व्यक्ति का फोटो लिया गया और उसे होर्डिंग के साथ लगा दिया गया, बाद में वही केस करता है कि जी मुझे कहाँ से पैसा मिला घर बनाने के लिए जो आपने मेरी फोटो का इस्तेमाल किया। अगर आपने मुझे पैसा घर बनाने के लिए दिया होता तो मैं मान सकता था वही कि आपने मेरे फोटो का इस्तेमाल किया, जब मुझे पैसा ही नहीं मिला तो मेरा फोटो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने केस किया। तो गुमराह और प्रचार कर रहे हैं क्या? जी गुमराह करने वाली बात है मोदी सरकार की तरफ से, और कुछ नहीं। जनता को
बेवकूफ बना दिया पूरी तरीके से, और कुछ नहीं। अच्छा जनता फिर यूं क्यों कहते हैं मोदी जी की 140 करोड़ जनता मुझे चाहती है और मैं उनके दिल में बसता हूँ? जी जी, वो दिल में बसते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल में बसते हैं वो अपने जो उनके भक्त हैं। उसके अलावा इस देश की 140 करोड़ जनता सिर्फ और सिर्फ आज के वक्त में यही चाहती है कि मोदी जी चले जाएं, सत्ता परिवर्तन हो, सरकार चेंज हो, उसके बाद ही देश के अंदर खुशहाली आनी है, नहीं तो इस देश का बेड़ा गर्क होना कोई नहीं रोक सकता। बेड़ा गर्क हो जाए जी। तो किस पर विश्वास करें? राहुल गांधी जी पे। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी पे खुद की पार्टी भरोसा नहीं करती कांग्रेस पार्टी? देखिए नेता ही बिखरे हुए हैं। ऐसा होता है उनकी पार्टी के अंदर जो लोग थोड़ा भ्रष्टाचार के अंदर थे, वो अपनी जान बचाने के खातिर जब एक ऑफर मिलता है कि भाई आप हमारी तरफ आएंगे तो हम आपको ऐसे कर देंगे एकदम क्लीन, अच्छा वाइट वाइट, अगर आप पूरे ब्लैक भी हैं तो हम आपको एकदम क्लीन कर देंगे सफेद, और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो जब ऑफर मिलती है तो एक इंसान सोचता है कि भाई मैं एकदम क्लीन हो जाऊंगा और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा और मेरा कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो इस विचार में आकर के। पर मोदी जी कहते हैं कि 18 घंटे मैं आम जनता के लिए काम करता हूं, अपना पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया देश के लिए। अगर मोदी जी का मैं ये कहूं कि अगर परिवार, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो उनके परिवार के सदस्य है ना, मैं उनकी भी वीडियो देख चुका हूं उस बात को लेकर के कि उनके खुद के जो परिवार के सदस्य हैं वो खुद आकर के वीडियो चैनल पे ये बताते हैं कि आज तक वो हमसे मिलते तक तो है नहीं मोदी जी जी, उनके जो चचा जात भाई हैं यहाँ तक के उनकी वीडियो खुद देखी है मैंने, वो ये कहते हैं कि जब से सत्ता के अंदर गए, उससे पहले तो उनका व्यवहार सही था, पर जब से सत्ता में गए वो तो सिर्फ अपने फोटो शूट के अलावा कुछ नहीं चाहते, कोई उनकी अगर बगल में भी आके बैठ जाए तो अब वो गया, उसका कुछ नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कैसा लग रहा है आम जनता? देखिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर में कहीं से कहीं तक जो लोगों के लिए घोषणाएं की गई बिल्कुल आज के वक्त के हिसाब से बेहतरीन है एकदम लोगों के लिए। एक तरफ क्रांतिकारी घोषणा पत्र, दूसरी तरफ मोदी की गारंटी वाला घोषणा। देखिए मोदी जी की गारंटी तो आज के वक्त में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जानती है कि मोदी जी ने जो जो गारंटी दी, सिर्फ 5 किलो राशन के अलावा जनता को कोई गारंटी नहीं मिली। 10 किलो अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम आते हैं, कांग्रेस आएगी। हम एक बात तो खुद लिख के दे सकते हैं, कांग्रेस जहाँ जहाँ सत्ता में आई है उसने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे। राजनीति राशन पर आकर क्यों टिक जाती है, मेरा सवाल ये। राजनीति राशन पर आके ही उग जाती है। देखो हम गरीब हैं, दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए धूप के अंदर में रक्षा चला रहे हैं। अगर हमें 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन मिलेगा, 5 किलो में भला नहीं होता, राहुल गांधी जी खुद जानते हैं इस बात के लिए। 10 किलो में भला हो जाएगा जी, अगर एक व्यक्ति को महीने के अंदर 10 किलो अनाज मिलेगा, हम दो मियां बीवी हैं, दो बच्चे हमारे, तो 40 किलो होता है और 40 किलो बहुत होता है। मोदी जी 5 किलो राशन से आप खापा है और कांग्रेस के 10 किलो राशन से आप कह रहे हैं कि उससे भला हो जाएगा, ऐसा क्यों, पक्षपात क्यों कर रहे हैं? पक्षपात यूं करी जा रही है, उन्हों की जो गारंटी है वो 100% सच होनी है, मोदी जी की गारंटी झूठ है, उनकी गारंटी झूठ है, वो उनके लिए जुमला है। जैसे वो 15 लाख रुपए जुमला हो गए थे, ठीक है, 2 करोड़ सालाना नौकरी जुमला हो गई उनके लिए, तो कौन यकीन करेगा? वो तो सिर्फ अपनी गारंटी का डंका बचाते रहेंगे कि हमारी गारंटी, तो उनकी गारंटी से थोड़ी कुछ होगा। जो इंसान इंसानियत के लिए सत्ता में आने के बाद में लोगों के लिए काम करेगा, तो सत्ता में आने के लिए लोग बाग उसे ही वोट करेंगे और उसे ही लाना चाहेंगे। ठीक है, आप देखिए लगातार देखिए हम जनता के बीच जुड़े हुए हैं, हर एक जगह, हर एक कोने, हर एक गली कूचे पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, 4 जून को जनता किसका इंतजार कर रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा है, तो जनता किसको देखना चाह रही है कुर्सी पर, और 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।